नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों काफ़ी दिनों पिछले मतलब एक महीने से लगभग वीडियो नहीं इस चैनल पे आ पा रही थी। इसका रीज़न था कि हम गए हुए थे लद्दाख बाइक ट्रिप पे, तो उस वजह से वीडियोज वहाँ पे नेटवर्क वगैरह बहुत ही कम, मतलब मैं प्रीपेड सिम ले गया था एयरटेल का, तब भी नेटवर्क बहुत ही जगहों पे तो बिल्कुल ही न के बराबर आ रहा था, तो इस वजह से वीडियो नहीं बन पाई ना ही अपलोड हो पाई, तो उसके लिए सॉरी। बट अब हम घर पे आ चुके हैं, तो रेगुलर आप लोग को इस चैनल पे बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी। तो जो हमारी सीरीज चलती है हर महीने के लास्ट में कि बैंकों में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या क्या चेंज हो रहे हैं, तो वो वीडियो अभी बाकी रह गया था, उस वीडियो को बनाना ज़रूरी है। तो अभी आज के वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि अगस्त के महीने में बैंकों के नियमों में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, और इस वीडियो को आप लोग जरूर एंड तक देखना, क्योंकि भाई चेंजेस तो होने वाले हैं लेकिन जो चार्जेस हैं कुछ बैंकों ने इतने ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के बढ़ाए हैं कि क्या ही बताएं। तो आइए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग भी लद्दाख बाइक ट्रिप करना चाहते हो तो क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती हैं, इसका मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया। मैंने दोनों ही सर्किट सोलो राइड कंप्लीट किया अपनी मेटेर से, पहले मैं यहाँ दिल्ली से फिर जम्मू श्रीनगर होते हुए लेह पहुँचा, लेह से वहाँ पे भी जोजिला पास जो कि बहुत ही खतरनाक पास था उसको मैंने अकेले ही क्रॉस किया। इसके बाद फिर लेह पहुँचा, लेह से फिर खारदुंगला जो कि किसी ज़माने में वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास हुआ करता था, आज तो मतलब उमलिंगला भी बन चुका है जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास अभी प्रेजेंट टाइम में है। इसके बाद फिर पैंगोंग लेक गया, पैंगोंग लेक से फिर मनाली होते हुए उसमें भी बारालाचला पास, तांगलांगला इत्यादि पासों को मैंने अकेले ही क्रॉस किया। तो अगर आप लोग भाई हमारी इस जर्नी को देखना चाहते हो, और आप लोग वैसे तो जहाँ तक मुझे लगता है कि सभी लोगों का एक ड्रीम होता है लद्दाख, वो भी बाइक से, तो फिर आप लोग हमारे दूसरे चैनल को जाकर विजिट कर सकते हो। दूसरे चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे सारी वीडियो आपको लद्दाख की मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो भाई कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने PPS यानी कि पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम को लागू कर दिया है फाइनली जाकर। काफ़ी दिनों से ये न्यूज आ रही थी, अभी कुछ बैंक लागू कर रहे हैं, कुछ बैंक अभी और डेट को एक्सटेंड लगातार कर रहे हैं, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने फाइनली ये बोल दिया है कि PPS सिस्टम पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम 5 लाख रुपए या फिर 5 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर आप लोग कोई भी चेक ट्रांजैक्शन करते हो तो वहाँ पे आप लोग को अपने चेक की जानकारी सबसे पहले बैंक को देनी पड़ेगी। ये आप ऑफलाइन भी कर सकते हो और ऑनलाइन भी, बड़ौदा का जब मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन उसके थ्रू या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू बड़े आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई मतलब झंझट वाली बात नहीं। वहाँ पे जाकर आपको चेक नंबर और किस डेट को आप जारी कर रहे हैं, कितना अमाउंट का चेक है, यही बस आपको सिंपल फिल करना होता है और नॉर्मल सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपका जो PPS है वो बैंक के पास चला जाएगा। कुछ करना इसमें ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है, ये मतलब कि अगर ऐसा आप करते हो तो फिर आपका जो चेक है वो और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा, कोई भी चेक से फ्रॉड आपका नहीं हो पाएगा। मैं तो कहूँगा कि अगर आप लोग 5 लाख रुपए से नीचे का भी कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको चेक ट्रांजेक्शन करने से पहले अपने चेक की जानकारी बैंक को जरूर देनी चाहिए। तो फाइनली 1 अगस्त 2022 से ये मैंडेटरी हो गया, अगर आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर हो, 5 लाख या फिर 5 लाख रुपए से ज़्यादा का चेक ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो फिर आपको पहले अपना चेक की जानकारी बैंक को देनी ही पड़ेगी। तो दूसरा अपडेट जुपिटर बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए, तो अगर आप लोग का भी जुपिटर बैंक में सेविंग अकाउंट है तो फिर आप लोग के लिए बैड न्यूज है। अगर आप लोग जुपिटर बैंक में अकाउंट है, सेविंग अकाउंट और फॉरेन में ट्रांजेक्शन करते हो तो वहाँ पे जब भी आप लोग किसी भी बैंक से अगर फॉरेन में ट्रांजेक्शन करते हो तो वहाँ पे आप लोग को एक ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस। तो वो चार्जेस आप जुपिटर बैंक में भी लगेंगे सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए, जो कि 3.5% 1 अगस्त 2022 से लागू हो जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रहा है SBI क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए, तो अगर आप लोग के पास भी SBI का क्रेडिट कार्ड है और आप लोग यूज करते हो कोई भी क्रेडिट कार्ड, तो वहाँ पे ओवरड्यू फाइनेंस चार्जेस लगता है जो कि अभी तक 3.5% हुआ करते थे, लेकिन 1 अगस्त 2022 से इसको बढ़ाकर 3.65% कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 अगस्त 2022 से आप लोग को ओवरड्यू फाइनेंस चार्जेस के रूप में 3.65% चार्जेस पर मंथ आपको
देने पड़ेंगे। इसके साथ ही गुड न्यूज भी है ऑरम कार्ड होल्डर्स के लिए, जो अभी तक रिवार्ड रिडेम्पशन फीस आप लोग को देना पड़ता था 99+ GST, वो अब आपको 1 अगस्त 2022 से नहीं देना पड़ेगा। याद रखिएगा सिर्फ ऑरम कार्ड होल्डर्स के लिए ही ये फीस माफ की गई, बाकी क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए ये फीस लगती रहेगी। सो लास्ट अपडेट निकल के आ रहा है HDFC बैंक के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए। तो अगर आप लोग के पास है तो आप लोग को पता ही होगा कि वहाँ पे फ्री लॉन्च एक्सेस की फैसिलिटी मिलती है, लगभग हर क्रेडिट कार्ड में आजकल दी जाती है। तो वहाँ पे सारे ही एयरपोर्ट पे फ्री लॉन्च एक्सेस की फैसिलिटी नहीं मिल जाती है, तो कुछ एयरपोर्ट होते हैं जिनका बैंक से टाई अप होता है, तो वहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो तो HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो। अगर इसका मैं वीडियो बनाने लगा एक एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट का तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो आप लोग अच्छा ये रहेगा कि HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग चेकआउट कर लेना। वैसे तो आप लोग को मेल भी रिसीव अब तक हो चुका होगा, हमें भी मेल रिसीव पिछले महीने ही हो गया था। सो फ्रेंड्स, ये थे बैंकों में कुछ बैंकों के कुछ अपडेट जो कि 1 अगस्त 2022 से चेंज हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना सा ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, अगर आप लोग लद्दाख बाइक ट्रिप हमारा देखना चाहते हो तो दूसरे चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट जाकर चेकआउट कर लीजिए। भाई तबाही ब्लॉग्स हैं, आपको ज़रूर मज़ा आएगा, प्लस आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि अगर आप लोग लद्दाख बाइक से सोलो या फिर ग्रुप में जाना चाहते हो तो आपको क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं और कैसे आप लोग सुरक्षित ले लद्दाख बाइक ट्रिप कर सकते हो, क्योंकि यार लद्दाख ट्रिप आसान तो बिल्कुल नहीं होता। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग क्या करना है, लाइक शेयर करने के साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं आप सभी लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।